हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बना रहे हैं दाल, यानी कि राजमा और उड़द की दाल मिक्स करके बना रहे हैं, जिसे हम माँ की दाल भी बोलते हैं पंजाबी में। तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, और साफ़ करने के बाद इसको मैंने दो दो घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। भिगोने से क्या होता है कि हमारी दाल जो है वो जल्दी बन जाती है। तो हम इसमें अब लेंगे कुकर, और उसमें डालेंगे 3 गिलास पानी। 3 गिलास पानी डालने के बाद हम पानी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें दाल। तो लीजिए, यहाँ पे दाल डाल दी है मैंने। दाल को अब अच्छे से 2 से 3 बार अच्छे से पहले वॉश कर लें, फिर ही उसको यूज़ करें। तो अब इसमें डाल देंगे नमक, स्वाद अनुसार आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। और यहाँ पे मैंने ऐड की है हल्दी, 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी का यूज़ किया है। और साथ में डालेंगे 1 चम्मच ऑयल, जो भी आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो 1 चम्मच डाल दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो दाल है वो कुकर के नीचे जो है कई बार जम जाती है, वो जमेगी नहीं। तो लीजिए, हमने यहाँ पे 5 से 6 सीटी लगाई हैं, और ये हमारी दाल उबल गई है और अच्छे से बन भी गई है। तो अब हम इसमें लगाएंगे एक अच्छा सा तड़का, जिससे कि आएगा दाल में बहुत अच्छा टेस्ट। तो यहाँ पे मैं लूँगी एक पैन, उसमें मैं डाल दूँगी मक्खन और कुछ खड़े मसाले। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी जीरा, काली मिर्च, लौंग, मोटी इलायची और दालचीनी। साथ में डाल देंगे हम इसमें तेज़पत्ता। तो ये हम यहाँ पे खड़े मसाले यूज़ कर रहे हैं, जिनका कि फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, और टेस्ट भी दाल का बहुत अच्छा बन जाएगा। तो चलिए, अब इसमें साथ के साथ डाल देंगे हम लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि हमने पहले से ग्राइंड करके रखा हुआ था। और इसको हम 1 मिनट तक भून लेंगे, ताकि जो लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो मुंह में ना आए। तो इसको हम अच्छे से, आप इसमें मक्खन की जगह पे ऑयल या देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें साथ के साथ अब हम डाल देंगे प्याज। प्याज भी हमने यहाँ पे ग्राइंड करके पहले से रखे हुए थे, यहाँ पे मैंने 2 प्याज यूज़ किए हैं। और इसको भी हम 1 से 2 मिनट तक प्याज को भी पका लेंगे, ताकि जो हमारा प्याज है वो अच्छे से पक जाए। तो लीजिए, प्याज अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च। 2 से 3 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च यूज़ की है। हरी मिर्च यूज़ करने से क्या है, आपको रेड चिली जो है वो डालना कम पड़ेगा, तो इसलिए आप थोड़ी सी इसमें हरी मिर्च भी यूज़ कर लीजिए, जिससे कि फ्लेवर भी अच्छा आएगा। और रेड मिर्च जो है, जो लाल मिर्च है, वो आपको कम यूज़ करनी पड़ेगी। और अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर यूज़ किए हैं, क्योंकि हमारा प्याज जो है अच्छे से पक गया था, और अब हम इसमें डाल दिए टमाटर। टमाटर को अच्छे से पकाएंगे हम 2 से 3 मिनट, जब तक कि ये अच्छे से ब्राउन ना हो जाए, जब तक हम इसको पकाएंगे, और जो टमाटर का पानी है वो अच्छे से सोख ना जाए। और जब ये ऑयल छोड़ने लग जाएगा, तो समझ लीजिए आपका मसाला बनके रेडी हो गया है। तो अब इसको अच्छे से हिलाते जाइए, नहीं तो ये जल जाता है। तो जैसे इसका कलर चेंज होने लग जाएगा, तो देखिए इसका कलर चेंज होने लग गया, यानी कि हमारा मसाला जो है पक गया है, और इसने थोड़ा थोड़ा सा घी भी छोड़ने लग गया है साइडों में, यानी कि हमारा जो मसाला है परफेक्ट बन गया है। तो इसमें डाल देंगे थोड़ा सी लाल मिर्च, यहाँ मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड किया है, और गरम मसाला। और इसमें हमने और कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि हमने पहले से खड़े मसाले डाले हैं, और जो बाकी बचा कुचा था वो हमने गरम मसाला डाल के पूरा कर दिया है। गरम मसाले के अंदर सब मसाले मिक्स होते हैं, तो इसलिए हमें अलग से सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ गरम मसाला ऐड कर दीजिए, उसमें हर चीज़ का फ्लेवर आ जाएगा। तो जो हमारी दाल बनके रेडी हुई थी, उबली हुई, उसको हमने इसमें ऐड कर दिया है, और इसको अच्छे से हिला देंगे, और इसको 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। तो आपकी दाल का देखिए कलर कितना अच्छा आया है, और दाल बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। तो आप भी गाइस ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। इसमें हम डाल देंगे मक्खन, और थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे। तो गाइस फिर मिलेंगे आपके साथ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।